हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इवन नंबर्स। फर्स्टली हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। व्हाट इज एन ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय टू, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय टू। इट हैज रिमाइंडर, सो लाइक एज अ 1, 3, 5, 7, these are odd numbers. When even number is completely divided by 2, it is called even number. Now, we are taking question number 1. What is the sum of any 2 odd numbers? किन्हीं भी दो odd numbers का सम क्या होता है? Odd numbers का सम जैसे 1 + 3 = 4. 3 + 5 = 8, then even number. क्या आंसर होगा इसका? Even number. किन्हीं भी दो odd numbers का सम क्या होता है? Even number. And what is the sum of any two even numbers? तो किन्हीं भी दो even numbers का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो even numbers का सम करके देखते हैं। 2 + 4 = 6. 4 + 6 = 10. So even numbers का सम is even number and odd number sum is even number also. Question number 2, state whether the following statements are true or false. A, the sum of 3 odd numbers is even. 3 odd numbers ka sum even hai, that means it is false, because 1 + 3 + 5 = 9, so it is not even. So it means first is false. B, the sum of 2 odd numbers and 1 even number is even. 2 odd numbers and 1 even number is even. Yes, it is true, because 1 plus 3 it is an odd number and plus 2 it is an even number. 1, 3, 4 plus 2, 6. 6 is an even number. So it means it is true. Now आप करेंगे आगे एक इसके जे तक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 13 एंड 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों की सेम डिजिट्स हैं 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 1। आपको ऐसे ही कुछ पेयर्स बनाने हैं अप टू 100 तक। हम बनाते हैं जैसे 17, 1, 7, 17 और 71, इट इज अ वन पेयर। 17 और 71, इट इज प्राइम नंबर ऑल्सो। यस, एंड बोथ डिजिट्स आर सेम 1, 7, 7, 1। नाउ आगे आप खुद बनाएंगे इसके कुछ पेयर्स अप टू 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। आपको सेपरेटली लिखने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 20 से कम। तो प्राइम नंबर लिखते हैं हम लेस देन 20, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इट इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। एंड द कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, and so on, less than 20. Question number 5, what is the greatest prime number between 1 and 10? The greatest prime number between 1 and 10 is 7, not 9. 9 is an odd number, okay, only 7. Now question number 6, express the following as the sum of 2 odd primes. 2 odd primes ka sum 44 aana chahiye. So 44 ko hum break karte hain. So main kaise break kar sakta hu? Dekho 44 ko, 31 + 13, it is 44. Dono primes bhi hain, odd bhi hain, okay? And 36 ko 19 + 17, answer is 36, okay? And you can do C and D. Now question number 7, give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2.
आपको तीन पेयर देने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो देखो रिमार्क कर रखा है नीचे, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 हो, क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स। जैसे 3 एंड 5 वन पेयर, 5 एंड 7 टू पेयर, 11 एंड 13 थ्री पेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? 23 इज अ प्राइम बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और 1। 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 51 इज डिवाइडेड बाई 3 और 17। 37 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और 1। 26 इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई अदर नंबर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। लेस देन 100 नंबर्स आपको लिखने हैं 7। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स वो लगातार होने चाहिए, कंटिन्यूसली होने चाहिए, कंपोजिट भी होने चाहिए। तब जब हम कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो हम 4, 6, 8 इनको नहीं ले सकते बिकॉज इनके बीच में गैप आता जा रहा है, तो ये कंटिन्यूसली नहीं है। कंटिन्यूसली के लिए हमें मिलेंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। हो गए 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बिकॉज 97 इज अ प्राइम नंबर, सो यू हैव टू टेक ओनली 92, 96। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। अब 3 ऑड प्राइम्स का जो सम है वो गिवन नंबर होने चाहिए। 21 को कैसे ब्रेक करेंगे आप? तो 21 को ब्रेक करते हैं 3 + 7 + 11। 3 और 7 10, 10 और 11 21। यू कैन ब्रेक इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हूज सम इज डिविजिबल बाय 5। हिंट दे रखा है इसमें 3 + 7 = 10। तो हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करने के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, वन डिजिट। तो जैसे मैंने किया 2 + 3 बिकॉज 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, 2 + 3 इट इज 5, 5 इज डिविजिबल बाई 5 एंड लेस देन 20 ऑल्सो, सो वन पेयर इज 2 और 3। सेकेंड पेयर इज 3 और 7। ओके, एंड थर्ड पेयर इज यू कैन मेक, यस और नो? ओके, यू विल मेक इट। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू डन दिस। मैं बता देता हूँ फिर भी कुछ, जैसे ही दे रखा है 1 इज नैदर ब्लैंक नो ब्लैंक। 1 इज नैदर, 1 क्या कौन सा नंबर नहीं है और कौन कोई सा भी नंबर नहीं है। 1 इज नैदर प्राइम नंबर, 1 इज नैदर प्राइम और नॉर ऑड नंबर। 1 इज नैदर प्राइम और नॉर ऑड नंबर। 1 ना तो क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और ऑड नंबर भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। Now next topic is test for divisibility of numbers. First topic is divisibility by 2. Divisibility by 2 check करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम normally divide करके देखते हैं कि it is divisible by 2 or not. But हम अपने time को saving करने के लिए हमारे पास ये new है test for divisibility, जिसे हम seconds में बता सकते हैं कि ये number divisible है या नहीं। जैसे divisibility by 2 check करने के लिए first topic is a number is divisible, a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. यदि इसके ones place पर 0 digit है, 2 number है, 4 number है, 6 number है या 8 number है, अगर ये digits है तो वो जो sum है, number है, numerical figure है, वो 2 से divisible होगा। Divisibility by 3 के लिए आपको जो भी नंबर गिवन है आपको उन डिजिट्स का सम करना है। डिजिट्स का सम करने के बाद में उनका जो सम है यदि वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। Divisibility by 4 के लिए आपको चेक करना है कि
कि यदि वंस एंड टेंस डिजिट पे जो नंबर्स हैं यदि वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने के लिए अ नंबर विच हैज इधर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। यदि इसके वंस प्लेस पर 0 या 5 है तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने के लिए इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बट देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। यदि एक नंबर है वो डिविजिबल है 2 और 3 से तो ऑब्वियसली 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 7 आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यदि वंस टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट्स हैं जो प्लेस पर डिजिट्स हैं यदि वो 8 से डिविजिबल हैं दैट मीन्स पूरा नंबर जो आपका नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम एज अ डिविजिबिलिटी बाय 3, फर्स्टली यू हैव टू डू द सम ऑफ ऑल डिजिट्स एंड देन आफ्टर डिवाइडेड बाय 9। सो इफ इट विल बी डिवाइड देन इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 10, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। यदि एक नंबर है जो 0 यदि एक नंबर है उसके वंस डिजिट पर क्या है, 0 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10, अदरवाइज इट इज नॉट। अब बात करते हैं लास्ट हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। हमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपको राइट साइड से जो आपके पास न्यूमेरिकल फिगर है आपको उस पे डिजिट से राइट साइड से ऑड प्लेसेस का सम करना पड़ेगा, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम करना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद यदि 0 मिलता है या कोई ऐसा नंबर मिलता है जो 11 से डिविजिबल है तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। ओके, यू हैव टू डन द एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड टॉपिक्स बताऊंगा। ओके।